हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस एंड पीसीएस में। तो 77 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे लास्ट वाली सीरीज़ में। किसी कारणवश हम बीच में कुछ वीडियोस नहीं बना पाए हैं, तो चलिए आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 से। और प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा, बहुत जल्दी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें बात करी जा रही है असेंडिंग ऑर्डर की। तो इसमें देख लीजिए, ग्रेट बियर है, बैकाल है, विक्टोरिया और सुपीरियर है। बात करूं अगर तो आपको थोड़ा सा इसके अंदर मतलब ट्रिक को यूज़ करते हुए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वैसे इस तरह के क्वेश्चन को देख के ये आइडिया तो लग ही जाता है कि इस तरीके से हम मतलब वर्ग मीटर में या क्षेत्रफल में जा करके क्वेश्चंस को याद नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस का आपको जरा भी आइडिया नहीं है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, उसमें ट्रिक वगैरह लगाना बस मैं तो यही कहूँगी कि टाइम वेस्टिंग करने जैसा होगा। तो आप इसे अगर जानते हैं तभी हैंडल करने की कोशिश करिए, अदरवाइज़ स्किप इट, बिकॉज लास्ट में अगर आपके पास में कुछ टाइम बचता है तो आप उसमें कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कन्फ्यूजिंग ही होते हैं, और वो टाइम आपका यूज़ जो कि आप टाइम अच्छे से यूज़ करो उस टाइम को लैप्स करने के लिए होते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी हुई है वो बिल्कुल भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस को ना छुएं, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन का आइडिया हो तभी आप इसे करना। अगर इनमें से किसी भी एक को आप नहीं जानते हैं या नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ इसे ड्रॉप आउट कर देना। इवन एक नहीं दो तो आपको कम से कम पढ़े होने चाहिए, क्योंकि ये बात कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर की, तो असेंडिंग में वो भी ये बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप आइडिया लगा सकते हैं तभी इसे करना, वरना इसे छोड़ देना। ऐसे मैचिंग के क्वेश्चंस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आपके 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे बताऊंगी आपको ए, बिकॉज इसमें कोई ट्रिक मैं नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि आप फिर वही ट्रिक वहाँ भी यूज़ करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें होगा। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देख ही रहे तो इसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपका है इसके अंदर सबसे पहले जो स्टार्टिंग में जिसका एरिया है वो है सुपीरियर, उसके बाद में अगर हम देखें बढ़ते हुए एरिया की तरफ तो वो है विक्टोरिया, विक्टोरिया के बाद में है बैकाल, और बैकाल के बाद में ग्रेट बियर। तो इस तरीके से उन्होंने बिल्कुल दिया हुआ है जस्ट अपोजिट, तो इसे याद रखना, सुपीरियर, विक्टोरिया, बैकाल, ग्रेट बियर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको याद रखना है वी, ठीक है, एस बी जी। तो वी एस जी बी से आप चाहे तो इसे शॉर्ट ट्रिक बना करके, या और अच्छा आपके पास में कुछ आइडिया तो आप वो लगा लेना। तो मेरा कहना ये है कि अभी जो क्वेश्चन है उसे तो लर्न कर ही लेना, लेकिन अगर इस तरह का कोई नया क्वेश्चन बन के आ जाए, ये ग्रेट बियर या बैकाल को चेंज करके वो कुछ और दे देते हैं, तो हमें वहाँ पे कोई भी ऐसा तुक्का नहीं लगाना है जिससे कि क्वेश्चन भी गलत हो जाए और हमारा टाइम भी ख़त्म हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। और इसमें है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं राटरडम है, नीदरलैंड्स और इगार का चीन, और मोंटेवीडियो है उरुग्वे, जकार्ता है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, जो इसके अंदर पूछा है सुमेलित नहीं है। ओके, तो अब ये सारे के सारे क्या हैं, ये हैं बंदरगाह। ठीक है, तो इसके अंदर जो गलत दिया हुआ है वो बताना है। अब राटरडम जो है, राटरडम नीदरलैंड्स में है, और मोंटेवीडियो उरुग्वे में है, और जकार्ता आपका इंडोनेशिया में है। ओके, आपने नाम सुने ही होंगे, जकार्ता न्यूज़ में रहता है, मोंटेवीडियो में भी हो सकता है सुना हो या नहीं सुना हो आपने, लेकिन राटरडम नीदरलैंड्स एंड जकार्ता इंडोनेशिया तो सुना ही होगा, यानी क्वेश्चन 50-50 पे आ जाएगा। अब उसके अंदर आपको थोड़ा आइडिया होगा तो आप चीन के बारे में देख सकते हैं, इगार का वहाँ नहीं है। तो चीन का बंदरगाह आप कमेंट बॉक्स में आंसर देके हमें बताइएगा कि कौन सा है। चलिए देख लेते हैं, इगार का बंदरगाह चीन में नहीं बल्कि रूस में है, अन्य प्रश्नगत बंदरगाह उनके देश सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं, ये भी मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, टाइम बहुत ज़्यादा है इसलिए ये लोग मैचिंग के क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। तो पर्वतीय, दर्रा और राज्य इन्होंने बताए हैं, माड़ा है, नाथुला है,
सिक्किम है, जम्मू एंड कश्मीर है। देखिए ये फ़ायदा मिलता है आपको लास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने का। आप देखो नाथुला आपने कई पेपर्स में देखा होगा, बार बार कह रही हूँ कि सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है लेकिन पूरे पूरे क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होते ही है। जोजीला देख लो आप, शिप किला देख लो, ठीक है शिप किला है। और इधर देखिए ऑप्शन में हमारे पास हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। अब जिन्होंने लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करे होंगे वो इसे ईजीली कर जाएंगे। तो अब इसके अंदर जो आंसर आपका बनेगा देख लीजिए, सबसे पहले आपको किसका आइडिया था। अगर मान लीजिए आपको शिप किला मालूम है, ठीक है, तो शिप किला जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। और अगर हम देखते हैं जोजिला को, तो ये देखिए जोजिला आपका मैच करेगा जम्मू एवं कश्मीर से, ठीक है। और नाथुला आपका जो मैच करेगा वो मैच करेगा आपके सिक्किम से, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए ये रहा, ये है नाथुला, ओके। तो अब जो लास्ट, अगर इसमें माणा आपको नहीं भी पता था तो आप देख लीजिए हमारा क्या बचेगा इसके अंदर, तो वो बचेगा उत्तराखंड। तो सिंपली इस तरीके से तो लगा सकते हैं कि एक नहीं मालूम है तो हो जाएगा, लेकिन बाकी क्या तो आइडिया आपको रखना ही पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो वो है केनिया। भारत सरकार के टी बोर्ड केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 में विश्व के शीर्ष चाय निर्यातक देश क्रमशः इस प्रकार हैं, उसमें पहला है केनिया है, सेकंड पर श्रीलंका है, और फिर ये चीन है और भारत है। अब देखो अब इसके अंदर मीटर टन मीट्रिक टन में भी दिया हुआ है, तो इसका हमें कोई पढ़ने का फायदा नहीं है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फ्रेंड्स, 82 इसके अंदर भी मैचिंग है। देखिए जनजाति और क्षेत्र के ऊपर ऊपर पढ़ लेना कि सही उत्तर का चयन करना है या गलत का करना है, वरना यहीं पे आपको हो जाएगा कंफ्यूजन। तो सही उत्तर का चयन कर लीजिए। अब इसमें देख लीजिए जनजाति, अब बुशमैन जो है वो पूछी गई है, एनू एंड बुर्दू और खिरगीज, ठीक है। तो ये रिपीटेड हैं इसके अंदर दो तीन, तो हमें इससे आइडिया मिल जाएगा। इसमें हम आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। तो बुशमैन जो इसके अंदर है आपकी वो है कालाहारी, ठीक है, कालाहारी क्षेत्र से ये रिलेट करती है। तो अब अगर हम देखें इसके अंदर, तो देखिए ये वाले में यहाँ पे आकर के आप थोड़ा देख सकते हैं कि ए के अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़न है, 3-2-3-1 है। अगर मैं बुशमैन की बात करूँ तो वो मैच हो रहा है 4 से, तो बुशमैन है बी में, तो बी का देख लेते हैं। बी से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स ये हमने निकाल ली यहाँ से ट्रिक, क्योंकि हमें बुशमैन पता था, बुशमैन मैच हो गया है आपका कालाहारी से। और अगर बी का 4 है तो देख लीजिए बी का 4 केवल यही है, बाकी 1-2-3-4 है, तो इसका मतलब आपका सी वाला राइट हो गया, ये आपका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप इसे कर लेना। बाकी नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर ले जाने का रास्ता है। तो ले जाने का जो रास्ता है फ्रेंड्स वो है जोजिला से, कश्मीर के जोजिला दर्रे से होकर श्रीनगर से ले जाने का मार्ग है। 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस दर्रे से होकर जोजिला टनल बनाई जा रही है, जो लेह लद्दाख क्षेत्र को पूरे वर्ष हेतु संयोजकता उपलब्ध कराएगी, ठीक है। अब इसके बाद में देख लीजिए मैचिंग, 84 के अंदर घास के मैदान और महाद्वीप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेपी प्रेरीज ये सब आते रहे हैं, वेल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी बिल्कुल अच्छे से करके जाना। क्वेश्चन अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अब अगर आपको स्टेपी मालूम है, ठीक है, तो इसमें स्टेपी का जो आपका मैच करता है वो है यूरोप से, ये देखिए सॉरी स्टेपी आपका मैच करेगा यूरोप से। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं लानोज की, तो लानोज आपका मैच करेगा दक्षिण अमेरिका से। फिर कहूँगी अगर इसका आइडिया नहीं है तो छोड़ देना, टाइम वेस्ट मत करना। और सी वाले में अगर देखें हम, तो देखिए सी का अगर आपको आइडिया है प्रेरीज का, तो यहाँ पे इन्होंने क्यू बिल्कुल सीधा दिया है, 1-4-2-3। अगर हमें मालूम था प्रेरीज जो मैच कर रहा है वो मैच कर रहा है आपका उत्तरी अमेरिका से, तो आप सीधे सीधे आंसर पे साइन लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सी का 1 देखिए इसी में है ए वाले में, तो ये ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स कि किसके अंदर क्यू में लगे हुए जो हैं वो 1-2-4-3-4-3-2-1, यानी कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो रहा, तो उस वाले ऑप्शन को आप देख लो। अगर उसके बारे में आप जानते हो और सबके बारे में नहीं जानते हो तो वहाँ से आपका 1 सेकंड लगेगा आपको सॉल्व करने में। चलिए आगे चलते हैं,
नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। सीधे 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 याद रखना, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद में हम आ जाते हैं आपके इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। क्वेश्चन नंबर 86 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? ठीक है, तो भारत के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जो 70% जो है मतलब अधिक कॉफ़ी, 70% से भी ज़्यादा कॉफ़ी अकेले ही पैदा करता है? तो फ्रेंड्स वो है कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में आपको थोड़ा सा मतलब याद दिला दूं कि कर्नाटक की जो कॉफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो कई पेपर में देखे गए हैं, अदर एग्जामिनेशन में भी आते हैं, तो प्लीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको लर्न करके ही जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87। देखिए फिर से मैचिंग आ गई यहाँ पे। औद्योगिक क्षेत्र और देश हैं इनके किनकी, कैंटन, लॉरेन और बेलो होरी जांटले। अब इसमें ऊपर पढ़ लेना कि सही उत्तर पूछा है या गलत, उसके बाद में नीचे देख लेना ऑप्शन में अगर 1, 2, 3, 4 करके कहीं मिल रहा है आपको। देखिए सी वाले में इन्होंने ऐसा अरेंज किया हुआ है। अगर हम ऑप्शन सी पे जाएं लॉरेन, और अगर हमें पता है कि लॉरेन जो है उसका आइडिया हम रखते हैं तो हमें पता पड़ जाएगा इसका आंसर। तो लॉरेन जो है वो फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में है। तो औद्योगिक क्षेत्र अगर इससे हम देखें तो ये सी का, ये हो गया आपका ए वाला, इसको हम कर देंगे राइट। अब कितना टाइम लगा फ्रेंड्स हमें, तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अदरवाइज़ क्वेश्चन नहीं मालूम है, किसी का आइडिया नहीं है, तो कोई तुक्का भेड़ी मत करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने वाली है इस पर, तो आपको लॉस उठाना पड़ जाएगा। फिर अगेन देखिए इसके अंदर सेंटर एंड मिनरल्स के बारे में है, केंद्र और खनिज के बारे में है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इसके अंदर पूछा गया है। ऊपर सही उत्तर चुनिए, तो नीचे देख लेते हैं हमें क्या मालूम है। मक्कुम है, डल्ली राजहरा है, कोरापुट और चित्रदुर्ग है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके खनिज दिए गए हैं, लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज और बॉक्साइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मैचिंग करनी है, तो देख लेते हैं केंद्र और खनिज को। तो जो आपका मक्कुम है आपका मैच करेगा कोयला से, ठीक है, इसका मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ। और इसके बाद में आपका डली राजहरा है वो करेगा लौह अयस्क से, और इसके बाद में कोरापुट, तो कोरापुट आपका बॉक्साइट, और इसके बाद में चित्रदुर्ग वो है मैंगनीज। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3। तो अब ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तो बी को हम कर लेंगे राइट। और इस तरीके से ये इसका आइडिया आपको होगा, तो आपका आंसर जल्दी आपको मिल जाएगा, रादर देन दिस आप इसे स्किप कर देना। क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है आपकी अन्नाई मुड़ी। अब ये देखिए रिपीटेड है, यूपीएससी में भी आया, यूपीपीसीएस में भी आया और अदर एग्जाम्स में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो अब इसमें पूछा है कि नहीं है, तो अब आप देख लो, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, सही है। तिलैया बांध कुन्नार नदी, ये तो देखो गड़बड़ है, कुन्नार नदी पे तिलैया बांध नहीं है। गांधी सागर बांध की बात करें तो वो चंबल नदी पर है, और नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो वो कृष्णा नदी पर है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है हमें वो तिलैया बांध की आ रही है। तिलैया जो वर्ड है वो पहली बात तो आपको सुनते ही समझ जाना चाहिए कि ये झारखंड में है और वो कोडरमा जिले के बराकर नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं कि ये ऑड वन आउट है, तिलैया बांध कोनार नदी से मैच नहीं करता, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स बिहार। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो है बिहार में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं वो हैं आगरा, दिल्ली तथा जयपुर, ठीक है। तो ये है भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल 3 ऐतिहासिक शहर आगरा, दिल्ली एवं जयपुर हैं। 93 के अंदर भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? वह है कोंकण, ठीक है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट मुंबई गोवा क्षेत्र के नाम से, जबकि दक्षिणी भाग को मालाबार तट केरल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 94 में देख लेते हैं, तातीपाका
तेल शोधन शाला अवस्थित है वो है आंध्र प्रदेश राज्य में, ONGC की ताती पाका तेल शोधन शाला रिफाइनरी आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 में इंटीग्रेटेड लॉ कॉस्ट सैनिटेशन यानी ILCS योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये अवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है, सेकंड में केंद्रीय राज्य योगदान 75% है और थर्ड में राज्य योगदान 25% है। तो अब इसके अंदर जो आपका सही ऑप्शन है वो फर्स्ट और सेकंड है, क्योंकि अब ये व्यवस्था साझेदारी के आधार पर वित्त पोषित है और केंद्रीय राज्य योगदान 75% है, जबकि राज्य का जो योगदान है वो 25% नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 95 तक कंप्लीट।